IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। हाथरस के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में पहचान दिलाने के उद्देश्य से दो दिवसीय उद्यम समागम का आयोजन रामोजी फार्म हाउस में किया गया, जिसका समापन शनिवार को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा मौजूद रहे। प्रदर्शनी में ODOP में शामिल हींग के साथ साथ हाथरस में बनने वाले प्रत्येक उत्पाद जैसे मसाले, कांच के उत्पाद, आयुर्वेदिक आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे जनपद और हमारे शहर के सभी उद्यमियों को प्रणाम करता हूं। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इसमें सहयोग को सलाम करता हूं और जनपद के जिलाधिकारी द्वारा इसका आयोजन आगे बढ़कर कराने के लिए जो सहयोग दिया गया उसको भी धन्यवाद अदा करता हूं। हमारा यह शहर और खासकर जनपद मिनी मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था। सीडीओ साहब, ये वो शहर है या वो जनपद है जहां शहर में ही 5 स्टेशन हुआ करते थे और ट्रेनें उन उद्योगों के दरवाजे तक जाया करती थी। कानपुर का नंबर बाद में आता था, दाल तिलहन और कपास के रेट हाथरस से खुला करते थे। और जिस समय हाथरस में मैं कॉटन मिलों की छुट्टी हुआ करती थी, शहर में एक मेला लगा करता था और महसूस होता था कि शहर से कुछ गंगा यमुना की धारा बह रही है। हालांकि पिछले 30-40 वर्षों में कुछ कारण रहे, देश आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ा, नगर में कुछ 25 वर्षों के शोषण का भी शिकार हुआ, बहुत से बड़े उद्योगपति पलायन भी कर गए। कोई उद्योगपति काम तो कर रहे थे लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने से डरते थे कि अगर उन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा बना दिया तो पता नहीं कौन कौन उनसे चौथ उगाही के नाम पर क्या क्या करेगा। इन सब की परिस्थितियों से निकलते हुए आज महसूस हो रहा है कि इस सरकार में और खासकर हाथरस में, अब हाथरस के वो सुनहरे दिन अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग एंड कंप्यूटर, जनता रेस्टोरेंट के बराबर वाली गली, सिंगल गेस्ट हाउस हाथरस। अगर आप बेरोजगार हैं या आपकी शिक्षा कम है तो आप निराश न हों, आएं केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग एंड कंप्यूटर, जहां से आप 3 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके कमा सकते हैं 10,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं।